लॉस सैंटोस के एक होटल में एक आदमी ने 10 लोगों को किया पाद मार के जख्मी। हैं, ये कैसे हो सकता है यार, ऐसा क्या खा लिया था उस बंदे ने? अरे वही था फ्रैंकलिन। छोड़, अगली न्यूज देखते हैं। लॉस सैंटोस में बेलास गैंग की हुई फिर से दहशत, फिर से लोगों के शोरूम जलाने करे उन्होंने शुरू। अरे पता नहीं बेलास गैंग वाले कब बाज आएंगे, अभी आपने उन्हें हरा दिया था याद है? हाँ यार, उसके बाद से तो उन्होंने कुछ किया भी नहीं था, अभी फिर से अपनी दादागिरी पे उतर है। अरे वही था, फिर से शोरूम जलाने शुरू कर दिया लोगों के। इसी तरीके से एक दिन हमारा भी शोरूम जलाता याद है तुम्हें? अरे हाँ भाई, तो सारे के सारे बिजनेस खराब कर दिया यार ये लोग। बास तो आने नहीं वाले अपनी आदतों से, पता नहीं आखिर क्यों करते हैं लोग ऐसा। अरे ये घंटे क्यों बजी? अरे वो तो जाके देखना होगा। रुक मैं देख के आता हूँ। इस वक्त कौन आया यार? पता नहीं कौन है यार। एक सेकंड, और बताओ फ्रैंकलिन क्या हाल? अरे द रॉक आया यहाँ पर। अरे देख के चौक क्यों गए, पहले भी तो मिले थे। अरे हाँ पहले भी तो मिले थे, वैसे आज यहाँ पर कैसे आना हो गया आपका? अरे बताऊंगा सब बताऊंगा, अंदर नहीं बुलाओगे क्या मुझे? अरे आओ ना अंदर आओ, प्लीज आओ, जल्दी से आओ। गाइस आज द रॉक कैसे आ गया घर पे? अरे क्या हुआ फ्रैंकलिन भैया? रुक शिनचान, ये देख सामने कौन खड़ा है। ये तो द रॉक है। अरे वाह गाइस, रॉक अंकल की इतनी खतरनाक बॉडी के लिए तो एक लाइक बनता है, जल्दी से दबा दूं। और बताओ तुम लोग कैसे हो, क्या हाल है तुम्हारे शिनचान? अरे मैं तो अभी भी मस्त माइंडिंग पाद मार रहा हूँ। माइंडिंग नहीं, वो माइंड ब्लोइंग होता है। अरे हाँ जो भी हो। और तुम कैसे हो चौक? अरे मैं भी बिल्कुल बढ़िया, मस्त हड्डियाँ तोड़ रहा हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और तुम तो अपने हाल बता दो फ्रैंकलिन। अरे इनका क्या है, रोज सुबह वही घटिया सी शक्ल लेके उठ जाना और फिर घटिया सी ड्राइविंग करना। ऐसा कुछ नहीं है, मेरे भी हाल बढ़िया है रॉक, तुम बताओ कि तुम कैसे हो? अरे अरे मैं भी बिल्कुल बढ़िया। अरे वो मैं ये पूछ रहा था कि तुम यहाँ पर आ कैसे गए? अरे कुछ नहीं यार, वो मैं बस बगल से निकल रहा था तो सोचा कि सारे दोस्तों से मिलता चलूं। ओह अच्छा अच्छा, ये बात है क्या? हाँ यार, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं क्योंकि मेरी शूटिंग वगैरह भी चल रही है। मैं तो कह रहा हूँ चलो यार तुम्हें थोड़ा घुमा के लाता हूँ लॉस सैंटोस। अरे लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ पर? वही तो, लॉस सैंटोस में कुछ पता ही नहीं है शायद घूमने के लिए। ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अरे लेकिन जाएंगे कहाँ पर? वैसे तुम्हें पता है लॉस सैंटोस में घाटी है जहाँ पर ढेर सारे ड्रैगन दिखते हैं। हैं, ड्रैगन वाली घाटी? हाँ ऐसा भी कुछ होता है क्या? अरे सच में क्या ड्रैगन दिखते हैं? हाँ ड्रैगन, वो भी रियल वाले। अरे भाई साहब कहाँ पर दिखते हैं ये? चलो जल्दी से बैठो तुम्हें दिखाता हूँ। हाँ चलो चलो जल्दी चलो। गाइस ड्रैगन की बात सुनकर तो यार मेरा भी दिमाग घूम गया। आ जाओ रॉक जल्दी से चलो। गाइस आज तो मजा ही आने वाला है। एक सेकंड, ये भुकाटी किसकी है? अरे क्या फ्रैंकलिन भैया, अभी हमारे घर पे कौन आया है? अरे हमारे घर पे तो रॉक आया ना। अरे तो उन्हीं की होगी ना? अरे हाँ बिल्कुल सही पहचाना, मेरी है। अरे भाई साहब ये तो कमाल की बात है। अरे वाह गाइस, रॉक अंकल की इतनी खतरनाक कार के लिए तो सब्सक्राइब बनता है ताकि इसी तरीके से वो हमसे अक्सर आके मिलती रही। मैं कह रहा था कि क्या मैं ये कार चला सकता हूँ? ये आप कैसे पूछ सकते हो इतनी घटिया ड्राइविंग होने के बाद भी? अरे 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 ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, चला लो कोई दिक्कत नहीं है। अरे थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। और शिनचान तू अपना मुंह बंद रखा कर प्लीज। अरे रहने तो मैं तो बोलूंगा। चलो तुम दोनों पीछे बैठो, मैं और रॉक आगे बैठ रहे हैं। अब चलो गाइस जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और इस गाड़ी को ठोकते हैं। अरे गाड़ी ठोकने के लिए नहीं कह रहा मैं। अरे आप बोलू यार बोलू, आपसे गाड़ी ठुकेगी ही ठुकेगी। अरे यार क्या ही बोलूं मैं तुझे, एक तो गाड़ी है भी इतनी ज्यादा फास्ट। देखा मैंने बोला था ना ठुकेगी। अरे फ्रैंकलिन थोड़ा संभल के चलाओ यार, माना कि मैं ये गाड़ी अभी फिर से खरीद लूंगा लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, थोड़ा आराम से चलाओ। अरे वही तो रॉक अंकल, मैंने तो आपसे बोला ही था। अरे 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 ठीक है यार शिनचान, अब ज्यादा हवा में मत उड़। अरे मैं कौन सा हवा में उड़ रहा हूँ, हवा में तो आप उड़ा रहे हो गाड़ी को। आरा थोड़ा बताओ हमें, ये रोज हमें डराता है ऐसी घटिया गाड़ी चला के। अरे फ्रैंकलिन भैया। हाँ बोल शिनचान। अरे हम ड्रैगन ड्रैगन तो देखने जाते रहेंगे लेकिन अभी मेरे को बहुत जोर से भूख लग रही है, तो कहीं खाना खाने चलते है ना, और रॉक को भी खिलाएंगे खतरनाक सा खाना। अरे सामने कौन खड़ा है? पता नहीं यार, एक सेकंड तो पेनीवाइज था जिसे मैंने ठोक दिया। अरे ये जोकर सा कौन है अब? अरे अभी तुम्हें पता चलेगा, रुको मैं बात करवाता हूँ इससे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ठोकने की? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सामने आने की, हम तो ठोकेंगे ही। या तो होगा। अरे ये क्या, द रॉक तुम्हारे साथ? तुम द रॉक को कैसे जानते हो? ये मेरा दोस्त है, तुम्हें पता है बात है? अरे सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, आपको पता नहीं होगा। क्या आप मेरे साथ एक सेल्फी खिंचाओगे? अरे हाँ बिल्कुल खिंचाऊंगा। अरे रहने तो रॉक अंकल, ये बहुत ही घटिया इंसान है। ओ सॉरी, ये तो इंसान ही नहीं है, ये तो भूत है। क्या कह रहे हो तुम, ये भूत है? अरे अरे सर प्लीज यार, एक बार सेल्फी खिंचा लो प्लीज शिनचान, तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगा। अच्छा सच में? क्या? हाँ सच में। तो फिर एक काम करो, झुमरी तलिया की नचनिया बन जाओ। क्या बोल रहे हो तुम ये? इसका कहने का मतलब ये है कि तुम डांस करो, वो भी ठुमके वाला। हैं, मेरे को सच में ही जोकर समझ रखा है क्या तुम लोगों ने? और नहीं तो क्या। अरे अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है फ्रैंकलिन। अरे रॉक करवाते हैं ना, मजे आएंगे। इस बंदे ने हमारी वैसी नाक में दम कर रखा है और ये मौका मैं जाने नहीं दूंगा हाथ से। चल फैनिवा शुरू हो जा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, करता हूँ। ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है। अरे रहने तो पागल तो तुम लग रहे हो अभी। तुमने मेरे को बोला था डांस करने के लिए इसलिए कर रहा हूँ। कमरिया हिला रे हिला रे हिला रे हिला रे। अरे वाह गाइस, पेनीवाइज के इतने खतरनाक डांस के लिए तो सब्सक्राइब बनता है, जल्दी से कर दो अगर तक नहीं किया तो। अरे रहने दो बहुत बुरे लग रहे हो तुम, रहने दो। अरे भाई साहब पेनीवाइज तुम्हारी शक्ल अभी देखने लायक है, एक काम करता हूँ ना तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ। ये कोई बात नहीं होती। अरे यही बात होती है, जल्दी से वीडियो बना लो फिर वायरल करेंगे इसकी वीडियो। अरे हाँ शिनचान बिल्कुल सही बोल रहा है, रुक तू, अभी रुको तुम्हारी वीडियो बनाता हूँ मैं। अरे ये तो चीटिंग होती है, कर लो जो करना है लो, देख लो मेरे ठुमके, लेकिन मैं तो द रॉक के साथ सेल्फी लेके ही रहूंगा। अरे भाई साहब मैंने बना ली वीडियो फाइनली। अरे वाह फ्रैंकलिन भैया। अरे मुझे भी व्हाट्सएप पे सेंड करना। अरे हाँ बिल्कुल करूंगा रॉक। अरे अब तो ऑटोग्राफ दे दो या फिर अभी भी डांस करता रहूं बस। अच्छा चलो ठीक है, मैं सेल्फी खिंचा लेता हूं तुम्हारे साथ। हाँ ये हुई ना।
बात, इसी चीज के लिए तो मैं वेट कर रहा था। एक मिनट रुको आप, ठीक है? अरे हाँ जल्दी खींचो। ठीक है ये लो मैंने खींच ली। कितनी ज्यादा बढ़िया फोटो आई है। थैंक यू सो मच सर। अब घोष्ट कम्युनिटी में चमकाऊंगा इस फोटो को। चलो मेरा काम तो हो गया। अच्छा तो तुम यहाँ पर रॉक के साथ सेल्फी खींचने आए थे? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुम्हें एक काम बताने आया था। अरे क्या बताने आए थे मुझे, ये तो मैं पूछ रहा हूँ इतनी देर से। मैं तुम्हें ये बताने आया था कि अब तुम लोगों की वाट लग जाएगी, क्योंकि हम घोस्ट कम्युनिटी वालों ने फिर से एक खतरनाक सा सीन कर दिया। ऐसा क्या खतरनाक सीन कर दिया? वो तो तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, अभी तो मैं चलता हूँ। हाँ चला गया ये। अरे ऐसे गायब कैसे हो गया? अरे घोस्ट है ना इसलिए। अच्छा तो ये सच में भूत था? हाँ सच में भूत था। पता नहीं कैसे कार्टून पड़े हुए यार लॉस सैंटोस में। अरे भाई तो यार रॉक, चलो तुम आके बैठो मेरे साथ, अब जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। अरे वैसे फ्रैंकलिन भैया, क्या पेनीवाइज आके पूरा दिन खराब कर जाता है ना? ये बात तो सही कह रहा है सिंचा, ना पता नहीं क्या कर दिया उन लोगों ने। खैर अभी पता चलेगा। एक सेकंड, सिमियन का कॉल क्यों आ रहा है मुझे? अरे फ्रैंकलिन। हाँ सिमियन बोलो क्या हुआ? अरे बेलास गैंग वालों ने हद कर दी यार, दिमाग खराब कर रखा है बिल्कुल। क्यों ऐसा क्या हुआ? आज दुकान पे आग लगाने आ रखे हैं ये लोग। ये क्या कह रहे हो तुम? ये क्या कह रहा सिमियन, अगर उसकी दुकान पे आग लगी तो मैं भी गाड़ी नहीं ले पाऊंगा कहीं से। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, चलो जल्दी से चलते हैं। पता नहीं ऐसा क्या सीन कर रहे हैं यार बेलास गैंग वाले। कहीं ऐसा तो नहीं कि घोस्ट कम्युनिटी ने बेलास गैंग के साथ हाथ मिला लिया हो? यार क्या बात बताई तूने सिंचा, ऐसा ही होगा मेरे को लग रहा है, तभी बेलास गैंग इतने चौड़े हो रहे हैं अभी। अरे वही तो, जल्दी से चलो सिमियन के पास, इससे पहले कि उसके दुकान में आग लगी। अरे हाँ सिंचन रुक, जल्दी से लेके चलता हूँ। हाँ तो गाइस हम सिमियन के गैराज के पास आ गए हैं। एक सेकंड, यहाँ पर तो बेलास गैंग के बंदे खड़े हैं। चिंता मत करो फ्रैंकलिन, मैं समझा के देखता हूँ एक बार। अरे हाँ रॉक, शायद तुम्हारी बात मान जाए। हाँ रॉक हो सकता है तुम्हारी बात मान जाए। जल्दी से यहाँ पर कार को खड़ी करता हूँ। अरे तो फ्रैंकलिन है। हाँ ये लोग तो मुझे जानते ही होंगे, हमारी गैंग से इनकी लड़ाई जो चलती रहती है। ये बच्चों अंदर नहीं जाने का, शांति से यहाँ से चले जाओ वरना तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अब हमारे पे बहुत पावर है। एक सेकंड जरा मुझसे बात करो, उससे ऐसे क्यों बोल रहे हो तुम? अरे द रॉक सर, आप जानते नहीं हो कि मैं बचपन से आपका फैन हूँ, लेकिन अभी मैं अपने काम पे हूँ तो सॉरी, आपको भी यहाँ से जाना होगा। देखो ये कोई बात नहीं होती, शांति से इसे जाने दो अंदर, इसका दोस्त फंसा हुआ है अंदर, तुम्हारी गैंग वालों ने पकड़ रखा उसे, और इसका ही नहीं वो मेरा भी दोस्त है। सर ये मैं कुछ नहीं जानता। लगता मुझे तुम्हें अपनी भाषा में समझाना होगा, तुम लोग ऐसे बाज नहीं आओगे। इधर आओ तुम, मैं बताता हूँ मैं, इधर आओ, तुम भी और तुम भी। अरे वाह रॉक, तुमने क्या गंदा मारा इन लोगों को, कितनी दूर दूर जाके गिरे हैं। अरे फालतू में दिमाग खराब कर रहे थे। हाँ चलो अंदर चलते हैं, देखते सिमियन का क्या हाल है। अरे हाँ जल्दी से देखो। एक मिनट, यहाँ पर तो पूरी की पूरी गैंग खड़ी हुई है इनकी। ए, तुम लोग यहाँ अंदर कैसे आए? अरे दरवाजे से और कैसे आए बताओ यार, कैसे बेवकूफ लोग हैं ये भी नहीं पता। अरे रिक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे हम यहाँ पर एक कार लेने आया था, पर अब हम भी यहीं पर फंस गया हूँ। अब इन लोगों को कहीं से समझाऊं कि हम तो इनको जानता भी नहीं हूँ और नया नया आया हूँ लॉस सैंटोस में। शांति से अपना मुंह बंद करके पड़े रहो। अरे फ्रैंकलिन बचाओ यार इन लोगों से। सिमियन बचाता हूँ, पर पहले मैं ये बात पूछूं कि ये लोग इतने ज्यादा चौड़े कैसे हो रहे बिन बात के? अब हमारे पास बहुत ज्यादा पावर है। कैसे ये तो बताओ। क्योंकि हमने घोस्ट कम्युनिटी से आज जो मिला लिया तो अपने पे पावर ही पावर है। देखा फ्रैंकलिन भैया मैंने बोला था ना। हाँ सिंचन बिल्कुल सही बोला था तूने। ये लोग कभी बाज नहीं आएंगे अपने हाथों से, बेलास गैंग तो बहुत ज्यादा चर्चे में रहती है इसी चीज के लिए। हाँ ये बात भी तुम सही कह रहे हो। अरे ये तो द रॉक है सर, हम सब के सब आपके बहुत बड़े फैन है, लेकिन आप बहुत गलत वक्त पे आए हो यहाँ पर, हमारी यहाँ लड़ाई चलेगी अभी। देखो शांति से इन दोनों को छोड़ दो। हम नहीं छोड़ते, क्या कर लोगे? द रॉक से ऐसे बोला, तुम जानते नहीं हो द रॉक को? सब पता है मुझे, ज्यादा बॉडी बनाने से किसी में ज्यादा ताकत नहीं आ जाती। क्या बोला तुमने? एक मिनट रुको, लगता है तुम लोगों को दिखाना पड़ेगा। इधर आओ तुम, ये लो, और तुम भी, और तुम्हें ज्यादा हवा में उड़ने का शौक है ना, ये लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, और तुम भी लो, तुम भी इधर आओ, ये लो, और तुम भी, और तुम भी, उसके ऊपर से गोली हटाओ, ये लो। अरे सर मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं तो जा ही रहा हूँ बस यहाँ से। निकलो चुपचाप। हाँ ठीक है जाता हूँ, छोड़ो मैं भेज देता हूँ, जाओ। अरे बाहर रॉक अंकल, आपने तो कमाल ही कर दिया। तुम दोनों ठीक तो हो ना? अरे हाँ हम बिल्कुल बढ़िया हूँ, और हम आपको ये बताना चाहता था कि हम भी आपकी काफी सारी फिल्में देखा हूँ। अच्छा अच्छा बढ़िया बात है, बढ़िया बात है। और बता रॉक कैसे हो तुम? तुमने आज बाल बाल मेरे शोरूम को बचा लिया। यार अगर तुम्हारे शोरूम को नहीं बचाता तो मैं भी कार कहाँ से खरीदता? हाँ खैर ये भी बात है। अरे लेकिन फैक्ट्री ये बात तो समझ नहीं आ रही, केलो कितने ज्यादा पावरफुल हो कैसे रहे हैं यार, वही तो नहीं समझ में आ रहा सिंचन। इधर सामने देखो सब समझ में आ जाएगा। कहाँ? एक सेकंड पेनीवाइज, यही तुम क्या चीज लेके आए हो अपने साथ? ये है मेरा पालतू ड्रैगन। ये जरूर वहीं से पकड़ के लाया होगा जहाँ के बारे में मैंने तुम्हें भी बताया था। कहाँ से? वही ड्रैगन वाली घाटी। हाँ, अब तुम लोगों को इस ड्रैगन से मरवाऊंगा, क्योंकि तुम लोग बहुत ज्यादा खुश होते हो ना। अच्छा तो मतलब तुम चाहते हो कि ड्रैगन हमें मारे? और नहीं तो क्या। तो फिर एक काम क्यों नहीं करते? क्या? कि हमें पकड़ के दिखाओ तुम। अरे हमें अकेला छोड़ के कहाँ भाग रहा हो तुम? अरे भाई तो फ्रैंकलिन भैया। अरे आ जाओ ना तुम लोग भी साथ में, तुम देख नहीं रहे कितना बड़ा ड्रैगन लेके आया वो। अरे फ्रैंकलिन मेरी बात तो सुनो। हाँ बोलो रॉक। मेरे पास एक बहुत तगड़ा आइडिया है। कैसा आइडिया? एक सेकंड बताओ जल्दी। तुम्हें पता है उस घाटी के ऊपर एक पत्थर मिलता है जिसको लेने के बाद तुम चाहते हो थोड़ी देर के लिए ड्रैगन बन सकते हो? अरे
सच में क्या? हाँ सच में। अरे फ्रैंकलिन भैया, फिर तो जल्दी से उस घाटी पे ही चलते हैं। हाँ मुझे भी ये लग रहा है, चलो एक काम करो जल्दी से उस घाटी पे चलते हैं। हाँ चलो चलते हैं। अरे लेकिन गाड़ी कहाँ से लाए अब? अरे गाड़ी एक सेकंड, यहाँ पर BMW किसकी खड़ी है ये? अरे हमको क्या पता। हाँ ना, फिर इसी को चोरी करते हैं, वैसे भी चोरी करना तो मेरा काम है। हाँ, आप जल्दी से बताओ रॉक वो है कहाँ पर। जल्दी से पहले बीच की साइड चलो। बीच की साइड? हाँ जल्दी से चलो। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया जल्दी से चलो। हाँ चल शिनचैन जल्दी से निकलता हूँ यहाँ से। अरे फ्रैंकलिन भैया पीछे देखो ड्रैगन आ रहा है। अरे भाई साहब ये ड्रैगन कहाँ से आ गया पीछे? जरूर पेनीवाइज की वजह से आ रहा है। हाँ ये भी बोल सकते हैं शिनचैन, निकलते हैं यार जल्दी से। भाई साहब हद होगी यार इस पेनीवाइज की। देखो सामने वो जो पहाड़ है ना उसके पीछे जाना बस हमें, जल्दी चलो थोड़ा। अरे हाँ चिंता मत करो, मैं पहुंचा देता हूँ जल्दी से उसके पीछे। एक तो ड्रैगन भी पीछे पड़ा हुआ है ना। अरे फ्रैंकलिन भैया थोड़ा तेज चलाओ। हाँ शिनचैन तू चिंता मत कर, इस ड्रैगन को पकड़ने नहीं दूंगा खुद को। हम फाइनली घाटी पे आ गए हैं। अरे वाह खतरनाक सीन, जल्दी से घाटी के अंदर चलते हैं। हाँ देखते हैं यहाँ पर क्या है। ऐसा एक सेकंड की तरह सारे ड्रैगन से यहाँ। अब मुझे ये बताओ जल्दी से वो पत्थर कहाँ मिलता है? वो पत्थर उन ड्रैगन्स के बीच में रखा है। क्या ड्रैगन्स के बीच में मैं जाऊँ? और नहीं तो क्या, आपको ही जाना होगा, आपके ही तो पीछे पड़ा है पेनीवाइज। पता नहीं वहाँ पर जाऊंगा तो जिंदा बचूंगा भी कि नहीं। चिंता मत करो, ड्रैगन के सामने ज्यादा अकड़ना मत, एकदम प्यार से जाना और प्यार से आ जाना। चलो ठीक है तुम जो कहते हो वही करके देखता हूँ। चलो ठीक है अब मैं जाता हूँ। गाइस बिल्कुल आराम से जाता हूँ, इन ड्रैगन्स को बिल्कुल भी भड़कने लगनी चाहिए कि मैं यहाँ पर हूँ। गाइस देखना पड़ेगा यार, पीछे से जाता हूँ थोड़ा। एक सेकंड गाइस कितने सारे ड्रैगन्स हैं। यार वो पत्थर दिख जाए मुझे बस एक बार, वो पत्थर कहाँ है, पत्थर कहाँ है। एक सेकंड गाइस देखो वो चमक रहा है वहां पर पत्थर, और ये सारे उसी को घेर के बैठे हुए। अब समझ में आया मुझे, थोड़ा आराम से जाना पड़ेगा। अरे भाई साहब गाइस कितनी ज्यादा मुंह के पास से निकल रहा हूँ मैं इनके। अब जल्दी से इस पत्थर को पकड़ लेता हूँ। अरे गाइस ये कैसे झटके से लग रहे हैं यार इस पत्थर को पकड़ने के बाद। एक सेकंड गाइस मैं खुद ड्रैगन बन गया। अरे भाई साहब कमाल ही हो गए ये तो। जल्दी से उन लोगों के पास जाता हूँ और उन्हें दिखाता हूँ, ये देखो तुम लोग। अरे भाई फ्रैंकलिन भैया आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के लग रहे हो। ओ अच्छा तो तुम ड्रैगन बन गए आखिरकार, लेकिन खुश मत हो क्योंकि मेरे ड्रैगन से तुम नहीं जीत पाओगे। अच्छा लेके तो आपने ड्रैगन, वो आ ही रहा है बस। एक सेकंड गाइस वो तो वहाँ की ओर है, मेरे पे आग लगाने की कोशिश कर रहा है। अभी बताता हूँ इसको, इसके ऊपर आग लगाता हूँ मैं। गाइस थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा मुझे क्योंकि यार ये तो मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है, वहाँ पर इसने हमारी गाड़ी भी फोड़ दी। गाइस पर अब की बार तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, इसकी ऐसी की तैसी करूंगा अब। ये ले अच्छे से जल। गाइस इतने खतरनाक तरीके से आग मैंने आज तक नहीं छोड़ी होगी। अरे फ्रैंकलिन भैया अच्छे से मारो, छोड़ना मत बिल्कुल। हाँ शिनचैन दिक्कत मत ले तू, इसको तो मैं खत्म कर दूंगा बिल्कुल। गाइस इतने खतरनाक तरीके से भी लड़ाई चल रही है, मैं क्या ही बताऊं, इसको तो मैं मार दूंगा। पर गाइस एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि ड्रैगन के ऊपर आग का भी असर नहीं पड़ता है। एक सेकंड वो ड्रैगन कहां चला गया? एक तो लॉस एंजेलिस में मेरे को ले आया, ऊपर से भग गया। पेनीवाइज का डरपोक ड्रैगन, कोई बात नहीं। अरे तुम लोग हो कहां पर शिनचैन? अरे यहीं पर है आपके पीछे, नीचे की ओर देखो। नीचे की ओर देखो, एक सेकंड रुक मैं आता हूँ नीचे। आ गया मैं नीचे, बताओ कहां पर हो तुम? अरे ये लो हम आपके पास ही आ गए। अच्छा तुम लोग ही आ गए। अब रॉक मुझे ये तो बताओ कि मैं वापस कैसे ठीक होऊंगा? तुम जिंदगी भर ऐसे ही रहोगे क्या? अरे मजाक कर रहा हूँ, तुम ठीक हो जाओगे जल्दी, बस सोचो तुम की फ्रैंकलिन बन जाओ। अच्छा एक सेकंड मैं सोचता हूँ। अरे वाह तुम तो सही कह रहे थे, मैं बन गया वापस पहले जैसा। शिनचैन आज तो बस मजा ही आ गया। अब ये सब छोड़ शिनचैन, तेरे को कुछ बोलना है क्या लोगों से? हाँ गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आज भी मैं करूंगा 30,000 लाइक्स का, मुझे पता है हमेशा की तरह इसे भी पूरा करवा दूंगी, तो प्लीज इसे भी जल्दी पूरा करवा देना। और हाँ अगर आपको मेरे से बात करनी है तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हो और मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर इन दोनों पे फॉलो कर सकते हो, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। तो गाइस मैं फिर से मिलूंगा आपसे किसी ऐसी खतरनाक एडवेंचरस वीडियो के साथ और फिर से किसी खतरनाक से सुपर पावर्स के साथ। खैर यार आज तो पहली बार ड्रैगन बना और यार क्या मजा है ना। अरे अगली बार मैं भी बनूंगा। और एक बारी मैं भी बनूंगा। अरे हाँ बन जाना, वैसे भी जाके बस उस पत्थर को छूना है। अच्छा चलो ठीक है।